फ्रेंच टोस्ट। ये तो बहुत ही मज़ेदार डिश है और सबने खाई होगी। मैंने ब्रेड घर बनाई थी, उसको स्लाइस किया और ये ब्रेड मैंने स्पेल्ट फ्लावर से बनाई थी यीस्ट के बगैर। यहाँ पे मैं कोकोनट मिल्क ले रही हूँ और उसके अंदर मैंने सिनेमन डाला है। इसमें वाइट शुगर भी नहीं पड़ती, उसकी जगह मैंने कोकोनट शुगर यूज़ की थी। ये हेल्दी वर्जन है और बिल्कुल बोरिंग नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं कि हेल्दी चीज़ें बोरिंग होती हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना था और देखने में भी खूबसूरत था। आप भी बनाएं और घर वालों को भी खिलाएं। जो मिल्क मिक्सचर है, कोकोनट मिल्क, सिनेमन और कोकोनट शुगर, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करके ब्रेड स्लाइसेस को इसके अंदर डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। वो क्लिप मैं बनाना भूल गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। घर में मैंने जैम भी बनाया था, वो भी बहुत मज़ेदार बना था और उसमें भी वाइट शुगर नहीं थी। इसके क्लिप मैं फिर डाल दूंगी। अभी हम फ्रेंच टोस्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं। घी के अंदर मैंने उनको फ्राई किया और उनको लो आग पे पकाया ताकि वो बहुत जल्दी लाल ना हो, थोड़े से ज़रा कुक हो जाएं तो अच्छे लगेंगे। और इसी तरह पलट तेरा ध्यान किधर है करते करते पलट लिया सब स्लाइसेस को और फिर डिश में डालकर उनको डेकोरेट किया। सबका देखें रंग बदलता जा रहा है और अब दे आर रेडी। सो इनको मैं अब डिश में डाल लेती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर जो मिल्क मिक्सचर बचा था उसको मैंने बॉईल कर लिया है ताकि वो ज़रा पक जाए और उसको ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि फ्रिज में जाके खुद ब खुद थिक हो जाएगा। इन स्लाइसेस के ऊपर वो मिल्क मिक्सचर डाला, सॉस, जैम एंड नट्स, एंड एन्जॉय।